अगर आपने काफी दिनों से हाथों की एक्सरसाइज नहीं की है और आप करना चाहते हैं पर आलस के मारे कर नहीं पा रहे हैं, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी डिश जिसके साथ साथ आपकी हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और एक तीर से दो दो निशाने लगने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लिया है बेसन, उसमें डाली है लाल मिर्च, नमक और साथ में मैंने यहाँ लिया है हींग और हल्दी। अब मैंने एक जो कप लिया था कोई भी नाप का, तो मैंने एक कप बेसन लिया था, तो मैं यहाँ 2 कप पानी डाल रही हूँ और अभी मैंने फ्लेम ना ऑन नहीं किया है। अभी जो मैं ऐसे ही ना बस मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी तो क्या होगा ना, यहाँ पे ये चीज़ जो लम्स है ना वो बने रहेंगे, वो जाएंगे नहीं, बहुत ज़िद्दी हो जाएंगे। तो पहले आपको ना ये अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से फेंट लेना है और उसके बाद ही आपको जो फ्लेम है वो ऑन करना है। और जैसे ही आप बिल्कुल देखो कि लम्स बिल्कुल नहीं है तभी ऑन करना और तब इसे चलाते जाना, चलाते जाना और चलाते जाना। मतलब ये है कि कुछ टाइम बाद आपका जो बैटर है जो आप बना रहे हो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, गुदगुदा गुदगुदा सा। तो उसके होने के बाद भी ना आपको हार नहीं माननी है, आपको कॉन्टिन्यूसली इसे चलाते जाना है। अगर आपने हार मान ली और बीच में आउट होने की सोची तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको बस जब आप ना इसे बनाने चलो तो समझ लो सारे काम निपटा के बनाओ, क्योंकि फिर आपको सिर्फ इसी को ही चलाते जाना है, चलाते जाना है। तो यहाँ पे ना आपको कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसी फ्लेम है आपकी। पहले आपको धीमी ही फ्लेम पे रखना है, फिर उसके बाद आपको उसे तेज़ कर लेना है जैसा आपका बनता जाए। लेकिन हाँ ध्यान रखना चिपके ना उस पर, और ऐसे चलाते ही जाना है बिल्कुल। मतलब हाथों की वाट लग जाएगी और हाथ की बढ़िया वाली एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे धीमे धीमे करते करते बहुत टाइम लग गया ऐसे करने में और ये गाढ़ा हो गया, बिल्कुल बढ़िया सा थिक सा हो गया। अब बारी आती है कि हम इसे किसी कंटेनर में निकाल लें और इसको जमा दें, मतलब एकदम जम सी जाए ये। तो मतलब यहाँ पर हमें इसे फ्रिज में नहीं रखना है, यहाँ पर हमें इसे पंखे में रख देना है और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है किसी भी कंटेनर में, और उससे पहले कंटेनर को ना ग्रीस कर लेना, अदरवाइज वो निकलने में दिक्कत कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ये ग्रीस कर रखा था और उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब बनाते हैं कुछ मसाला। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लेंडर में प्याज लिया है, साथ में हरी मिर्च ली है, लहसुन लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मसाले जो कि है हल्दी, फिर गरम मसाला, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर ले रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर। अब ये हमारा ठंडा हो चुका है, मैं इसके अच्छे से काट लेती हूँ। पहले तो मैंने इसे कोई भी शेप में काट लिया, मतलब सोचा कि मैं बर्फ़ी का शेप दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा ये बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, तो मैंने फिर से क्या किया ना, इसको बीच बीच से काट दिया। तो जैसा आपको पसंद हो आप वो शेप देखिए से आराम से काट सकते हैं। और उसके बाद क्या है ना, अब हम आराम से तैयार करते हैं अपना मसाला। तो यहाँ लेना है तेल, उसके बाद जो भी हमने मसाला पीसा था बनाया था उसको डाल देना है तेल में। अब बारी आती है फिर से अपने हाथ चलाने की, मतलब धीमे धीमे हौले हौले इसको आराम से आपको चलाते जाना है, मसाले को एकदम अच्छे से पका लेना है। प्याज जो है ना वो अच्छे से पक जाए, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट दे, हल्का सा भी कच्चा रह जाएगा तो फिर वो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे जो हमने ग्राइंडर में पीसा था उसको भी अच्छे से ना पानी से धुल धुला के उसी में डाल दो, जिसमें हमारा एक भी बूंद मसाला वेस्ट ना हो। और उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये देगी मिर्च है जस्ट फॉर द कलर, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ना येलोइश की बजाय थोड़ा सा रेडिश भी हो ये, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डाल दिया है। और उसके बाद आप क्या करना है, जो आपने अभी यहाँ पे पीसेस कट किए थे वो डाल देने हैं और अब इसको अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा बहुत पकाना भी है, क्योंकि मतलब लगना चाहिए कि ये आपको हाई फ्लेम पे करोगे तो सही रहेगा, मतलब अच्छे से जो मसाला है वो चिपक जाएगा इन सब से जो मैं काट के डाली है मैंने इसमें। तो उसके बाद ना आपको डालनी है इसमें धनिया पत्ती, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद भी देगी और दिखने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यार खाओ बनाओ और खुश रहो।